हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार शर्मा और आज मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली नई वीडियोस एकदम से मुझे याद आई सरप्राइज़, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना चाहा। तो गाइस, था क्या कि कल जो थी हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हमने कुछ ऐसे छोटा मोटा बाहर से मंगवा के हमने पार्टी की। तो आज 16 मई को था, आज 17 मई है। तो 17 मई को हुआ ये कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो ड्यूटी आया हूँ। तो ड्यूटी में क्या है कि मेरी वाइफ ने मुझे लंच बॉक्स जो है वो पैक करके दिया, पर मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं थोड़ा आपको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ कि ताकि आप भी पति पत्नी मोटिवेट हो, एक दूसरे से ऐसे प्रेम करें और एक दूसरे को ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज़ होते हैं, पर ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है बहुत कभी हमें खुश करती हैं और हमें रिलैक्स करती है। तो गाइज, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा टिफ़िन बॉक्स। जैसे ही मैंने टिफ़िन बॉक्स ओपन किया तो मुझे कुछ सरप्राइज़ मिला, तो मैंने चाहा मैं क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। और ये बहुत बेस्ट मोमेंट होते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है जो हमें एक दूसरे का रिलेशन को मजबूत करती है। तो गाइज़, देखते रहिए वीडियो अंत तक, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भी कर सकते हो। और थैंक यू आपके प्यार के लिए कि आप हमारी वीडियो को देखते हो, प्यार देते हो। थैंक यू गाइज, और देखते रहिए वीडियो को। गाइज, ये है मेरा लंच बॉक्स, क्योंकि अभी लंच टाइम हो गया है। तो अभी क्या है, लंच बॉक्स में अभी खाना खाने मैं बताऊंगा आपको वीडियो में पूरा कि मैं अभी क्या करता हूं और कहां पे जॉब कर रहा हूं फ़िलहाल। तो अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूं। और तो गाइज, अभी मैंने लंच बॉक्स जो है मेरी वाइफ ने दिया, तो अभी मैं ये लंच बॉक्स आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि ऐसा लंच बॉक्स में भी क्या सरप्राइज़ हो सकता है। तो गाइज़, एक्चुअली कल मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज़ नहीं दिया, मतलब बस थोड़ा सा बाहर से खाना खिलाया तो उसको भी अच्छा लगा, तो उसने उसकी वजह से कुछ सरप्राइज़ दिया। तो ये मेरा खाना है, इसमें पहले मैं खाना दिखा दूँ अपना। तो ये जो है मेरा खाना है, दही है, रायता, अच्छे से रायता बना के दिया है, और ये प्याज है। हमेशा मैं प्याज ज़रूर लेता हूँ खाने के साथ में, तो मेरी वाइफ को पता है। और ये देखिए कुछ फ्रूट और कुछ, ये आप देख सकते हो फ्रूट के साथ में, मतलब मैं मना करता हूँ कि मुझे फ्रूट मत डालो, पर डाल ही देते हैं। तो और ये पानी की बोतल है, चम्मच है, और ये वेजिटेबल है। मेन सरप्राइज़ है ये गाइस। तो जैसे ही मैंने अपना ये वाला टिफ़िन उठाया, तो पहले मैं टिफ़िन का बता देता हूँ। तो टिफ़िन में कुछ सब्ज़ी है, आलू चचिंगे की सब्ज़ी रहती है, पर मेन जो है ये है। तो गाइस, ये एक्चुअली मेरी वाइफ ने इसमें डाल के दिया, खाना पूरा खा लेना, आई लव यू, बहुत बहुत खुश हुई कल की पार्टी के लिए, और ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, जल्दी आ जाना। तो गाइस, ये मेरे लिए बेस्ट सरप्राइज़ था, अच्छा लगा पढ़ के। मतलब ये चीज़ छोटा सा नोट है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर क्या होता है कि ये हमें थोड़ा सा हमारे बाउंड को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, मैं अपनी वाइफ को भी आई लव यू बोलता हूँ, आई लव यू टू। तो थैंक यू, आपने इतना बेस्ट सरप्राइज़ दिया। तो मुझे अच्छा लगा जब मैंने ये टिफ़िन ओपन किया, मैंने जल्दी जल्दी अपना कैमरा ओपन किया कि ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या सरप्राइज़ है, और अच्छा लगा। तो गाइज, यही था सरप्राइज़, तो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर बताइएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगा गाइज। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गाइज। और थैंक यू, मैं अपनी वाइफ को पहले बोलूँगा, और थैंक यू आप सबका भी, बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। ऐसे ही एक दूसरे को सरप्राइज़ दें, अच्छा समय है और अच्छा टाइम हमारा, मतलब एक बोलते ना मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये थोड़ी सी मूवमेंट हमें और ज़्यादा हिम्मत देती है। तो ठीक है गाइज, आप अपने बाउंड को भी ऐसे बनाएं। अगर किसी की पत्नी ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ बहन, आप अपने पति के लिए छोटे छोटे मूवमेंट करें। अगर कोई हस्बैंड देख रहा है तो प्लीज़ अपनी वाइफ के लिए छोटे छोटे मूवमेंट जो है ये छोटी छोटी चीज़ें करें कि ताकि उसको अच्छा लगे, उसको ये फील हो कि हाँ आप उसके साथ में और एक दूसरे का बॉन्ड अच्छा है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।